कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना चाहिए, खुश रहिए। भगवान आपकी सारी इच्छाओं को पूरी करे। आज बस मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी दाल रखी थी, मोठ की दाल है। मोठ की दाल ये राजस्थान के अंदर मिलती है, मैंने पहले ही बताया था। इसके बड़े बनते हैं तो काफी दिनों से पड़ी है। तेज पत्ता डाल के रखती हूँ मैं तो खराब नहीं होती है। तेज पत्ता अभी मैंने निकाला है इसमें से, तो ये धो के इसको भिगो रही हूँ, गर्म पानी में भिगो रही हूँ। सोच रही हूँ 2 बजे तक बेटा बहू आ जाएंगे तो तब तक मैं दही बड़े बना दूंगी। वैसे उड़द की दाल के दही बड़े बनाती हूँ, आज मैं सोच रही हूँ मोठ की दाल के बना देती हूँ। तो पहले इसको मैं धो रही हूँ। तो मैंने इसको 2-3 पानी से धो लिया, गर्म पानी में मैं इसको भिगो रही हूँ। जल्दी भीग जाएगी और मैं बाकी के काम सारे करूंगी जितने में ये भीग जाएगी, और फिर मैं इसको मिक्सी में पीस के और बड़े बनाऊंगी, दही बड़े। रात को मैंने दही जमा दिया था, दूध काफी बचा हुआ था, तो मेरा मूड बन गया कि मैं दही बड़े बनाऊं। तो ये देखिए दही अच्छा सा जम गया है, दही काफी अच्छा चक्केदार दही। मैंने इसको आटे के पीपे में रख दिया था, जमा कर आटे के पीपे में रख दिया था। तो बस अभी दाल मैंने रख दी है, भिगो कर रखती है दाल, और अब मैं इसको ढक रही हूँ। 2-3 घंटे में काम करूंगी, इतने में मेरी दाल भीग जाएगी, इतने में मैं सफाई करूंगी। अभी आज मैंने पूजा भी नहीं की है। सुबह मैंने बनाए थे पोहे बनाए थे सुबह चाय के साथ बच्चों के लिए, तो वो लोग बस खा के और निकले हैं। सारा काम हो चुका है मेरा, सफाई फाई कर ली है मैंने, पूजा भी कर ली है। अब मैं आ गई हूँ किचन में, तो अभी मैं दाल चावल बनाऊंगी। और मुझे मेरी व्यूअर्स शायद आशिता ने कहा था कि मैं चटनी की रेसिपी दूं, जो चटनी मैंने लाल अपनी पिछली वीडियो में बना रखी थी उस चटनी की। तो मैं आज चटनी की रेसिपी दे रही हूँ आपको। मैं टमाटर की चटनी बनाऊंगी और एक जो अमचूर की चटनी बनाऊंगी, चटनी क्या मीठी चटनी जो होती है दही बड़े वगैरह में डाली जाती है वो बनाऊंगी, और एक धनिये की चटनी बनाऊंगी। ये धनिये मैंने रख रखे हैं अखबार में, और अब देखती हूँ, अभी तक मैंने इनको देखा भी नहीं कैसे पड़े हैं, तो देखती हूँ। बहुत दिनों से रखे हुए हैं, देखिए अच्छे ही पड़े हैं। इनकी मैं चटनी बना लेती हूँ अभी, तो बस इनको मैं ध
धनिये की चटनी तो मैं धोकर और काट कर इनको, और इसमें हरी मिर्च अदरक डालूंगी और बेसिक मसाले जो डालते हैं, अमचूर डाल देती हूँ या फिर खटाई के लिए नींबू डाल देती हूँ, और नहीं तो मैं इसमें भी टमाटर मिला लेती हूँ। और ये टमाटर की लाल चटनी है जो मैंने बना रखी थी उस दिन, आपने मेरी वीडियो देखी, उसमें मैं टमाटर काट कर हरी मिर्ची काट लेती हूँ, अदरक भी काट देती हूँ, सबको साथ में काट कर और फिर सारे मसाले डाल देती हूँ, बेसिक मसाले। इसमें मिर्ची ज्यादा डालती हूँ, आप चाहें तो इसमें लाल मिर्ची भिगो दें, साबुत वाली भिगो कर, 1-1.5-2 घंटे में भीग जाएगी मिर्ची, तो वो मिर्ची अगर डालें तो ये चटनी और अच्छी बनती है। अभी मैंने साबुत मिर्ची भिगो नहीं रखी है, इसलिए मैं पिसी हुई मिर्ची डाल रही हूँ इसमें। तो अभी मैं आपको इसकी रेसिपी दे रही हूँ, तीनों चटनियां बना रही हूँ मैं अभी, और फिर उसकी रेसिपी देती हूँ। तो दोस्तों मैं साथ ही साथ दाल चावल भी चढ़ा दूंगी, तो मेरे दो काम हो जाएंगे, एक पंथ दो काज करती हूँ मैं, इससे मेरा काम जल्दी निपटता है। तो दाल चावल बना दूंगी मैं, दाल चावल होते रहेंगे और मेरी चटनियां बन जाएंगी। इस बीच में अगर दाल भीग गई तो मैं दाल भी पीस दूंगी। तो पहले मैं चढ़ा रही हूँ दाल चावल। आज मैं बना रही हूँ अमचूर वाली मीठी चटनी बना रही हूँ। थोड़ा सा इसमें तेल डाल रही हूँ कढ़ाई में, अमचूर मैंने ले लिया है, अमचूर में मैं घोल बना लेती हूँ सभी मसालों का, जैसे इसमें नमक भी डाल लेती हूँ, ये धनिया डाल लिया मैंने और मिर्ची डाल लेती हूँ, थोड़ी से चटपटी बन जाती है ये, हींग भी डाल ही देती हूँ थोड़ी बहुत। अच्छा, इसके साथ ही मैं इसमें चीनी डाल लेती हूँ, चीनी मैंने इसमें छोटी 2 कटोरी डाल दी है चीनी। अब इसका मैं घोल बना रही हूँ पानी डाल के, कई लोग इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल लेते हैं, मेरे पास अभी ड्राई फ्रूट्स नहीं है, बहुत कम है, तो मैं प्लेन ही बना रही हूँ इसको। अमचूर की गांठों को बिल्कुल मिटा दें, अमचूर में गांठें होती हैं, और मैं सौंफ डाल देती हूँ, इसे धनिया भी डालते हैं, साबुत धनिया भी डालते हैं, मैं इसमें सौंफ डाल रही हूँ और ये तेल गरम हो गया था मेरा, सौंफ डाल दी है मैंने इसमें, और फिर ये जो मसालों का घोल है अमचूर के साथ, नमक मिर्ची धनिया हींग डाली थी मैंने, और फिर चीनी डाल दी। आप चाहें तो इसमें गुड़ डाल सकते हैं, गुड़ मेरे मिल नहीं रहा, मैंने कहीं रख दिया है, रसोई की सफाई की थी ना किचन की, उस दिन मैंने कहीं रख दिया है उसको। आप गुड़ डाल सकते हैं, इसमें गुड़ से भी बहुत अच्छी बनती है ये। तो जब इसमें थोड़े से उबाल आ जाए तो ये चटनी बन जाएगी। तो ये दही बड़ों में बहुत अच्छी लगती है दही के साथ, तो ये मीठी चटनी डालूंगी मैं दही बड़े में, और हरे धनिये की चटनी डालूंगी और दही डालूंगी, तो इसलिए मैं बना रही हूँ आज चटनियाँ। वैसे मैं चटनी बना के रखती हूँ, खाने के साथ अच्छी लगती है चटनी। की चटनी तो उबल के तैयार हो जाएगी, अब मैं बना रही हूँ टमाटर की चटनी, आपको बना के बताती हूँ पहले।
हरी चटनी तो सबको आती ही है। एक हरी मिर्च काट लूंगी मैं इसमें। तो मैं ये जार में डाल रही हूँ, थोड़ा सा अदरक काट रही हूँ इसमें, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। मैं इसमें नींबू का रस भी डाल देती हूँ थोड़ा सा, इसमें लाल मिर्ची डाल रही हूँ और ये डाल रही हूँ नमक, थोड़ा सा जीरा भी डालती हूँ मैं और धनिया डालूंगी, हींग डाल दूंगी इसमें, ये धनिया डाल रही हूँ इसमें। मैं इसको घर में ही मिक्सी में पीसती हूँ, मुझे बाजार का धनिया अच्छा नहीं लगता है दिखती हूँ, पता नहीं खारापन सा आता है सब्जी में, तो मैं धनिया खुद ही पीस के रखती हूँ। तो दोस्तों इसमें मैंने सब डाल दिया, नमक मिर्ची धनिया हींग डाली है, जीरा डाला है, नींबू का रस डाला है, टमाटर है, हरी मिर्ची है और अदरक है, और नींबू का रस डाल दिया, हरी मिर्ची डाल दी, अदरक डाली, नींबू डाल दिया, सब डाल दिया। अब मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ। ये देखिए चटनी बन चुकी है और बहुत चटपटी लगी होगी ये चटनी भी मेरी तैयार हो गई है। चावल में बिल्कुल खिले खिले बनाती हूँ, खिले चावल अच्छे लगते हैं सबको घर में। दाल में भी सीटी आ गई है, ये भी भुजाना पड़ेगा। तो मेरे कई काम हो चुके हैं, अगर आपके चावल खिले ना बने कभी तो उसमें नींबू का रस डाल दें उबलते टाइम, तो चावल बिल्कुल खिले हुए बन जाएंगे। हाँ कई बार ऐसा होता है चिपचिपे बनते हैं चावल, तो आप नींबू का रस डाल दें, या फिर जब ये हम इसका मांड निकालें तो इसमें एक बार और पानी डाल दें, तो वो मांड पूरा निकल के थोड़े खिले खिले बन जाएंगे। मेरी मम्मी यूं किया करती थी कि चावल कभी थोड़े से गीले हो जाते थे तो वो इसमें और पानी डाल देती थी, तो वो सारा जो इसका मांड है ना पूरा निकल जाता था और ये चावल बिल्कुल खिले खिले बन जाते। मेरे तो अभी अच्छे बने खिले खिले, मैं इनको कम सिजाती हूँ, पूरा एकदम नहीं बिल्कुल खिले खिले बनाती हूँ, खिले खिले पसंद। तो अब ये तीसरी चटनी बनाने जा रही हूँ मैं आज। आज मेरा मूड ही बन गया आप लोगों से चटनी की रेसिपी शेयर करने का। तो ये हरे धनिया हरी मिर्च और अदरक काट लिया है मैंने, अब इसमें मैं इसमें नमक डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार, और लाल मिर्च डाल रही हूँ। धनिया में धनिया नहीं डालती मैं, धनिया की चटनी में और धनिया पाउडर नहीं डालती हूँ। जीरा डाल रही हूँ और हींग डाल रही हूँ और ये अमचूर डाल रही हूँ मैं, काफी अच्छी बनती है। और नींबू का रस तो डालना ही है, नहीं तो ये अच्छी नहीं बनती है चटनियाँ। चटनी का चटपटास ही खटाई से होता है, तो मैं इसमें नींबू डाल रही हूँ। नींबू में आज रस नहीं है, थोड़ा पुराना हो गया है मेरा नींबू, अगर इसको मैं गर्म पानी में कर लेती तो शायद रस निकल जाता, वैसे निकल रहा है रस। ये देखिए अमचूर वाली चटनी, मीठी चटनी जो मैं दही बड़े में डालूंगी, और ये दो मेरे फेवरेट जार हैं जो इनमें एक टमाटर की चटनी और एक ये हरी चटनी। तो ये चटनियाँ भी वैसे भी दो तीन दिन मेरे चल जाएंगी और दही बड़े में भी बहुत अच्छी लगेंगी। टमाटर की चटनी तो नहीं डालूंगी मैं दही बड़े में, लेकिन ये दो चटनियाँ मैं डालूंगी दही के साथ दही बड़े में। तो अब मैं दाल पीस कर दही बड़ों की तैयारी करती हूँ।
हूँ, सारा काम हो चुका है, मैं सारा काम निपटा देती हूँ, जो चटनी वगैरह बनाने से, दाल पीसने से और दाल चावल बनाने करने से जो सारा काम फैला था वो सारा मैं कर चुकी हूँ। मुझे जब तक मैं थोड़ी सफाई निकल लूँ दूसरा काम शुरू करना अच्छा नहीं लगता है। तो अब मेरे को केवल दही बड़े तलने हैं और बाकी दाल चावल बन गए, चटनियां बन गई और मैंने सफाई कर दी और साथ में मिक्सी भी धो दी है। मिक्सी का जार धो के ही रखती हूँ, उसमें दाल चिपकी हुई मुझे अच्छी नहीं लगती। तो मैं मीठा सोडा मिला दिया है मैंने और ये काफी नरम बनेंगे। पानी मैंने तैयार कर रखा है, अब मैं सीधे इनको बना के पानी में डाल दूंगी। इन्हें चम्मच से भी डाल सकते हैं हम, मुझे आज थोड़ी पतली लग रही है तो मैं चम्मच से डाल दूंगी। कई लोग इस पानी में भी नमक डालते हैं पर मैं नहीं डालती हूँ। तो मेरे दही बड़े तैयार हैं, मैंने इनको पानी से निकाल लिया है और अब मैं दही को फेंट रही हूँ। दही में थोड़ी सी मैं चीनी डालूंगी और चटनियां सारी डाल के मैं दही बड़े की प्लेट तैयार करके दिखाती हूँ भी आपको। वैसे तो इसको चलनी में छानते हैं दही को, मैं इसको ऐसे ही कर रही हूँ। थोड़ी सी चीनी डाल दूंगी, ये आने वाले बेटे बहू मेरे और मैं बस चार प्लेटें हम सबके लिए लगा रही हूँ। अब इसमें चटनियां डाल दूंगी और बस आते ही वो लोग खा लेंगे। आते ही बहुत भूख लगती है उनको तो बस उनके लिए लगा के रख रही हूँ। तो दोस्तों आज का ब्लॉग इतना ही, बहुत लंबा हो गया है ब्लॉग। दही बड़े भी बनाए, चटनी भी बनाई, आपको सारा सफाई वफाई का काम भी दिखाया, तो इतना लंबा हो गया आप बोर हो जाएंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म कर रही हूँ और अगर आपको वीडियो पसंद आए या चटनी मेरी पसंद आए तो कमेंट जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बेल आइकन दबाकर, जिससे मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिले आने वाली वीडियो की। तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा और चटनी कैसी बनी जरूर बताइएगा।